पाकबाड़ा क्षेत्र के वाल्मीकि समाज द्वारा एक ज्ञापन डीएम को सौंपा, कहा छोटे बच्चों के शमशान घाट की भूमि को भू माफियाओं ने किया कब्जा। शुक्रवार को अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ग्राम नेमतुल्ला नगर पूर्व मिठनपुर थाना पाकबाड़ा तहसील काट के निवासी है। आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चों की शमशान भूमि गाटा संख्या 200 रकवा 0.79 है। यह भूमि नेमतुल्ला नगर में स्थित है। जिला अध्यक्ष सत्यपाल वाल्मीकि ने बताया कि 20 जून 2020 को एक प्रार्थना पत्र लेखपाल व कानून नगो को दिया गया था, जिसमें भू माफिया साकेत कुमार पुत्र राजेंद्र पाल सिंह व देवेंद्र पाल सिंह रिटायर लेखपाल व महेंद्र सिंह बिश्नोई आदि लोगों ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया। ज्ञापन देने वाले ओम पाल सिंह, विजय मुन्ना सिंह, आदेश रत्नकार, अतुल वाल्मीकि, सुरेश सतीश, सुनील सनी सैनी आदि लोग मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष अखिल भारत वाल्मीकि महासभा किस संबंध में ज्ञापन दिया है? ये विषय ग्राम नेमतुला नगर और बिठनपुर हकीमपुर वाल्मीकि समाज के मरघट की जमीन है, जो कुछ दमक लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। हमने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने अपने संगठन के माध्यम से ग्राम हकीमपुर के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं हम। अब क्या मांगे आप? हमारी ये पहली यही मांग है कि ग्राम हकीमपुर के वासियों को न्याय दिया जाए, और अगर न्याय नहीं मिला तो हम अखिल भारतीय बाल महासभा की तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन हम कार्यालय पर करेंगे डीएम साहब। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है, खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन, और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।